हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज सर्कल वंस अगेन एवरीवन एंड इन टूडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट बाइनरी सर्च टेक्निक व्हाट इज बाइनरी सर्च वी नीड टू नो फर्स्ट अबाउट इट सी वी एज पर दिलेबस ऑफ आईसीएससी वी हैव टू टेक्निक्स टू स्टडी दैट इज लीनियर एंड बाइनरी. लीनियर सर्चिंग इज वॉट लीनियर सर्चिंग में हम करते क्या हैं जिसमें पूरी के पूरे एलिमेंट्स को सर्च किया जाता है एक सिक्वेंसियल सर्चिंग होती है एक नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्चिंग है बट बाइनरी सर्चिंग एक एडवांस सर्चिंग है जिसमें हमारे एलिमेंट्स बहुत सारे स्किप हो जाते हैं बट एक ड्रॉबैक ये है कि इस टेक्निक में हमें एरे सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए अगर हमारा एरे सॉर्टेड फॉर्म में है मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर तो आसानी से हम कर सकते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एरे बना लिया और इसमें हमारे पांच एलिमेंट्स भरे पड़े हैं और ये सॉर्टेड फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में है सपोज हमें नाइनटीन को सर्च करना है और ये हमारी की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ नाइनटीन ओके तो कैसे सर्च करते हैं चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे हम मिड वैल्यू के लिए लुक करेंगे तो हम मिड वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा वी विल लुक फॉर द मिड वैल्यू तो सपोज करिए कि हमारा जो पहली वैल्यू होगी वो हम कैसे निकालेंगे पहली वैल्यू क्या होगी दैट इज़ फर्स्ट को जीरो ले लेंगे हमारा एफ आई एन टी एफ ज़ीरो और कॉमा करके यहीं पे ले लेते हैं लास्ट वैल्यू दैट विल बी द एरे लेंथ माइनस वन वॉट एवर द लेंथ ऑफ द एरे विल बी दैट विल बी माइनस वन सो वी विल गेट दैट वैल्यू तो उसको हम क्या करते हैं दोनों को ऐड करके हम टू से डिवाइड कर देते हैं तो इस तरीके से हमें मिड वैल्यू प्राप्त हो जाती है उसके बाद हम लूप चला देते हैं यहाँ पे हमने वाइड लूप चला दिया कब तक लूप चलेगा लूप चलेगा जब तक कि हमारी जो बिगनिंग वैल्यू है वो लास्ट की वैल्यू से छोटी हो या उसके बराबर हो ओके okay? ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं हम यहाँ पे लगा देते हैं इफ कंडीशन कैसे इफ कंडीशन लगा देते हैं जैसे सपोज करिए हमारा एरे का नाम ए आर आर है और तो मिड मीन्स वी विल लुक फॉर द मिडिल वैल्यू द मिडिल पोजिशन वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे मिड क्या होगा सपोज जीरो वन टू थ्री फोर सो जीरो प्लस फोर टू जीरो प्लस फोर

से जो अगली वैल्यू है उसी को हम फर्स्ट मान लेंगे इसका मतलब क्योंकि जो जो हमारी वैल्यू हमें सर्च करनी है वो ये हमारी सर्चिंग वैल्यू नाइनटीन है और हमारी जो मिड वैल्यू 12 है। टेसर दैन वैल्यू नाइनटीन सो वॉट वी विल डू वी विल एफ हमारा एफ यहाँ है और ये एफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा दैट वॉज जीरो प्लस वन मिड प्लस टू प्लस वन एंड दट विल बिकम थ्री नाउ द वैल्यू ऑफ एफ इज हियर वॉट द वैल्यू ऑफ एफ इज थ्री इस तरीके से अगर यहाँ पे है तो और अगर नहीं है तो आगे चलते हैं आगे की कोड क्या होगी अभी तो यहाँ पे हमारे uh, की वैल्यू के अकॉर्डिंग यही हमारा uh, मिल गया यहीं पर क्योंकि कंडीशन ट्रू थी तो एफ की वैल्यू चेंज हो गई एल सीफ में क्या लिखते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया कि अगर मिड की ही वैल्यू ही हमारी की वैल्यू है ज इक्वल टू दैट मिड वैल्यू बट दैट इज नॉट इक्वल अगर ऐसा है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे प्रिंटिंग uh, स्टेटमेंट का यूज करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहां पर हम दिखा देंगे कि एलिमेंट इज एट ओके इज एट पोजिशन

और उसके लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यूज होंगे सब स्किप हो जाएंगे दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन उसके बाद अगर वो मिड वैल्यू इक्वल है सर्चिंग वैल्यू के तो डिस्प्ले कर देंगे लेकिन ना तो बड़ी है और ना तो मीन्स कि अगर वो वैल्यू ना तो जो हमारी की वैल्यू है ना तो बड़ी है मिड वैल्यू से ना तो इक्वल है तो इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगी वो छोटी होगी सपोज हमारी वैल्यू फाइव है सर्च करनी है दैट इज वॉट जैसे मान लीजिए की की वैल्यू हमने अब, अब कितनी ले ली फाइव ले ली और हमारी जो हमारी मिड वैल्यू है वो ट्वेल्व है तो इस कंडीशन में ये वाला कंपाइलर के पास जो कंट्रोल कौन सी कंट्रोल जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं ट्रू है दिस इज़ नॉट ट्रू दिस इज नॉट ट्रू तो यहाँ पे आएगा तो ऐसे केस में क्या करना है आपको जो लास्ट वैल्यू है उसको मिड माइनस वन कर देना है इट मीन्स जो आपकी लास्ट वैल्यू कहाँ कहाँ थी अस अंडरस्टैंड हमारी जो लास्ट वैल्यू थी वो यहाँ थी वो अब शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगी मिड माइनस वन यानी कि यहाँ पे आ जाएगी ठीक है इस तरीके क्योंकि हमें जब हमारा जो वैल्यू सर्च करना है वो मिड से ही छोटा है इट मीन्स कि मिड से जो बड़ी जितनी भी वैल्यू है सबको स्किप कर देना है सबको छोड़ देना है इस तरीके से हम यहाँ पे ये यह करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे इफ ब्लॉक को और फिर यहाँ पे क्या करते हैं मिड की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा हमें और दैट इज़ व्हाट एफ प्लस एल फर्स्ट और लास्ट को टू से डिवाइड कर देंगे इन केस और हम कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हैं इन केस दैट पॉइंट ये हम लिख सकते हैं एक और चीज़ कि अगर उसके बाद लूप के सॉरी ये ये जो स्टेटमेंट है वो लूप के बाद होना चाहिए अगर लूप बंद होने पर भी हमारी जो एफ़ की वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू से मतलब पहली वैल्यू लास्ट की वैल्यू से ग्रेटर है तो इस केस में इसका मतलब सीधा सा यही हुआ कि वो जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं एरे के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता एलिमेंट नॉट फाउंड अच्छा ये केस कब आएगा वो भी देख लेते हैं चलिए सपोज करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं फाइव एट ट्वेल्व नाइनटीन ट्वेंटी थ्री एंड वी आर लुकिंग फॉर अ इज सपोज आई आई एम लुकिंग फॉर वैल्यू ट्वेंटी फाइव ठीक है हम ट्वेंटी फाइव को सर्च कर रहे हैं जो कि हमारे एरे में नहीं है तो अगर हम ट्वेंटी फाइव सर्च करेंगे तो होगा क्या हमारी मिड वैल्यू कितनी है ट्वेल्व है ठीक है मिड वैल्यू हमारी ट्वेल्व है और उसके बाद तो यहाँ पे आते हैं मिड इज ग्रेटर देन मिड इज लेसर देन की मिड इज लेसर देन की डेफिनेटली मिड इज लेसर देन की तो यहाँ पे क्या ट्रू हो गया मिड प्लस वन मिड प्लस वन शिफ्ट हो गया शिफ्ट होकर यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ गया कहाँ पे आ गया कंट्रोल हमारा जो एफ की वैल्यू है वो शिफ्ट होके यहाँ पर आ गई अब ये हमारी फर्स्ट एलिमेंट है ये लास्ट एलिमेंट है बचे कितने दो ही एलिमेंट सो so, इसको हम ऐड करेंगे एफ की वैल्यू कितनी हो गई अब थ्री हो गई ठीक है एफ की वैल्यू थ्री हो गई और हमारी लास्ट वैल्यू इज ऑलरेडी फोर तो थ्री प्लस फोर सेवन 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 का था थ्री एंड हाफ थ्री एंड हाफ का मतलब अगेन इट वैल्यू होगी फिर हम सर्च करेंगे अगर जब इस बार सर्च करेंगे तो फिर क्या होगा सो वैल्यू इज नाइन नाइन इज लेसर देन ट्वेंटी फाइव तो अभी भी क्या है कि ये छोटी ही है फिर उसके बाद क्या होगा सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड अब मिड प्लस वन कर देंगे मतलब कि अब ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा मिड मिड से एक प्लस वन ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा दैट इज ट्वेंटी थ्री ठीक है उसके बाद जब ये ट्वेंटी थ्री हमारा फर्स्ट हो जाएगा फिर सर्चिंग होगी तो अगेन सेम प्रोसेस अब हमारा मिड कितना है मिड की वैल्यू दैट इज ट्वेंटी थ्री ओके तो ट्वेंटी थ्री से अभी भी छोटा है फिर भी छोटा है बट अब मिड को क्या करेंगे आगे कहाँ शिफ्ट करेंगे आप मिड अब कितना हो जाएगा मिड इक्वल टू एफ इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा दैट इज मिड प्लस वन मिड कितनी है थ्री प्लस वन दैट इज फोर अब यहाँ पर आ गया इस तरीके से ये चलेगा बट वैल्यू तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये तभी तक चलेगा ये लूप जब तक कि एफ की वैल्यू एल से के बराबर हो अब इसके बाद चलेगा नहीं क्योंकि l की फाइनल वैल्यू चार है दैट इज फोर एंड f जैसे ही फाइव होगा फाइव तो होगा डेफिनेटली क्योंकि ये बढ़ता जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होती जा रही है क्योंकि वैल्यू जो सर्च करनी है वो हमारे लास्ट वैल्यू से भी बड़ी है इस तरीके से लूप एग्जिट हो जाएगा लूप क्लोज हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि क्योंकि मिड की वैल्यू बढ़ती जाएगी जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा और ये ट्रू होता रहेगा इस तरीके से जब लूप बंद होगा तो लूप बंद होने के बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि कहीं एफ की वैल्यू एल से तो बड़ी नहीं हो गई एब्सोल्युटली एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव हो जाएगी तभी तो कंडीशन फॉल्स होगी और तब तो एल की वैल्यू फोर रिमेन होगी तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट एलिमेंट नॉट फॉर्म तो ये क्या है एक तरह के एक तरीके का बाइनरी सर्चिंग टेक्निक है जिसमें हम एलिमेंट्स को स्किप करके सर्चिंग करते हैं एलिमेंट के लिए